इस वीडियो के सभी पात्र काल्पनिक हैं तथा यह वीडियो मनोरंजन और सिर्फ जागरूकता के लिए बनाया गया है। कृपया इसे दिल पर कोई भी ना ले। अच्छा अब्बू जी, मैं मंदिर से जा रहा हूँ। बेटा आज की छुट्टी नहीं है क्या? अब्बू जी छुट्टी तो है, वो आज 26 जनवरी है ना, तो हमारे मदरसे में 26 जनवरी मनाई जाएगी और झंडा भी लहराया जाएगा अब्बू जी। अच्छा ये लो तिरंगा बेटा, इसको बड़े शान से लहराना, क्योंकि अपने वतन से मोहब्बत, अपने वतन से वफादारी हमारा इस्लाम सिखाता है। ठीक है अब्बू, मैं ध्यान रखूंगा, अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। हाँ भाई राकेश, रात की उतरी नहीं उतरी? उतर तो है लेकिन मजा पूरा है भाई। ठीक है कल को फेर आइए, बोतल लंबे वाली है। क्या बस ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। अरे राकेश भाई इधर तो देखो, आज तो नबी अकल आ गए, अभी झंडा लहराएंगे। कुलदीप भाई तुम्हें नहीं पता ये दिखावा करते हैं, झंडा लहरा कर अंदर से है ना कट्टर होते हैं ये। ओए सुन तो, ओए कहाँ जा रहा है, सुन तो ले, ओए सुन ले। तो दोस्तों मैडम रू 502 रिपोर्टर और आ चुके हैं आज नेताजी के घर पर। अभी नेताजी आने वाले हैं, कुछ सवाल करने वाले हैं हम नेताजी से। नेताजी 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 ये बच्चों को पढ़ाई के चक्कर में अंदर कट्टरवार बना रहे हैं, ये तो मदरसों में ताला लगना चाहिए, गलत शिक्षा दे रहे हैं अंदर। नेताजी नेताजी एक सवाल, एक सवाल, एक सवाल और नेताजी, एक सवाल और नेताजी, नेताजी एक सवाल और। नेताजी 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 एक सवाल, एक सवाल। तो नेताजी बिना सवाल के जवाब दिए चले गए हैं। तो धीरे धीरे नौजवान नेताजी के पीछे भाग रहा है। नेताजी लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसका का कोई गलत इरादा है, गाड़ी रुकवाओ। अच्छा तो गाड़ी साइड में लगवाओ, भी देखते हैं इसको क्या करना चाहता है ये। क्या रे, गाड़ी का पीछा कैसे कर रहा था तू? खड़ा हो,
इसकी जेब की तलाशी लो। कुछ नहीं है नेताजी इसकी जेब में। ये साला मुझे एजेंट लगता है किसी का। खड़ा करो इसको, खड़ा हो रे। कैसे पीछा करा था गाड़ी का? मारने की प्लानिंग है क्या? हाँ, अरे मारने की प्लानिंग है, मारने की प्लानिंग है क्या बे? बोलता क्यों नहीं तू? साले मारने की प्लानिंग थी क्या साले? मुझे डर लगता है किसी चीज का है। साले साले देशद्रोही। कैसे पीछा कर रहा था रे तू गाड़ी का? सर मेरी बात सुन। सर सुन, सर मैं बता रहा। क्या सुने तेरी? कैसे पीछा कर रहा था ये बता। एजेंट किसका है तू? किसने भेजा है तुझको? सर भाई मैं आपको मारने के लिए नहीं आया सर, मैं तो अपने तिरंगे के लिए यहाँ पे आया हूँ सर। तेरा तिरंगा? सालो तुम्हारा तिरंगा हो गया है? सर मेरी बात सुनिए, देखिए ये तिरंगा आपकी गाड़ी पे उल्टा लगा है। मेरा तिरंगा आपकी गाड़ी पे उल्टा लगा है, मैं इसके लिए आया था सर। जब आप जा रहे थे तो मैंने देखा कि आपकी गाड़ी पे ये तिरंगा उल्टा लगा हुआ है, तो मेरी नजर पड़ी, मैंने सोचा कि मैं इसको सीधा कर दूं, आपको बता सकूं, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी, बगैर बात सुने ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और आपके दिलों के अंदर जो इतना ये नफरत का खून भरा हुआ है कि आप एक मुसलमान की बात भी नहीं सुन सकते कि वो आपके लिए पीछे क्यों आ रहा है। सर सर हर मुसलमान गलत नहीं होता जो अपने इस देश के लिए, अपने इस धरती के लिए जिन्होंने आजादी के वक्त जब अपनी जानों को कुर्बान कर दिया था इस देश के अंदर, आज वो भी मुसलमान मौजूद हैं, आप कैसे भूल गए सर? बिना सुने ही एक निहत्ते आदमी को इस तरह बुरी तरीके से मारते हैं आप कैसे भूल सकते हैं कि मुसलमानों की इस देश को आजाद कराने में कितनी कुर्बानी लगी। मेरे तिरंगे का अपमान हो रहा था इसीलिए मैं आपके पीछे आया सर। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था सर। मेरे देश के तिरंगे का अपमान मैं नहीं देख सकता सर। मेरे देश के तिरंगे का अपमान मैं नहीं देख सकता सर। अरे यार, ये मैंने क्या कर दिया? इतने बड़े पद पे होते हुए भी ये मेरे से क्या गलती हो गई? इनके खिलाफ मेरे दिल में इतना, मैंने इन लोगों का इतना अपमान कर दिया, मैं ये कैसे भूल गया कि हिंदुस्तान का जो राष्ट्रपति था वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद था, और तिरंगे को रंग देने वाली वो भी मुसलमान थी, और मैंने इस बच्चे को इतना मार दिया बिना कुछ सोचे समझे। मेरे बच्चे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं तुझे आज सलूक करता हूँ और गले से लगाता हूँ। हेलो गाइस, तो गाइस सबसे पहले तो आपको तमाम लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब।